भाई इस गाड़ी की एक खास बात हो रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो के अंदर। और भाई आज हम बात करने वाले हैं किया की सेल्टोस के बारे में। अगर वेरिएंट की बात करते हैं तो ये है इसका HTX वेरिएंट, यानी कि मिडिल वेरिएंट इसको कह सकते हैं। लगभग सारे फीचर आ जाते हैं, बाकी इसकी डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और सामने से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है गाड़ी, लगभग आपको ऐसा ही फील होगा कि आप टॉप मॉडल के सामने खड़े हुए हैं। क्योंकि भाई फीचर का इतना कुछ खास अंतर नहीं है, साइड से पता लगेगा, वो भी अलॉय व्हील्स के कारण। और शुरुआत करते हैं इसकी चाबी के साथ। तो इसके अंदर आपको ये की मिल जाएगी, वही टॉप मॉडल वाली सेम मिलेगी डिट्टो। सारे बटन्स वगैरह सारे मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का स्विच, इंजन स्टार्ट भी कर सकते हैं आप बाहर से ही। और दोनों आपको रिमोट की ही मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। सेंटर में यहाँ पर आपको किया का लोगो मिल जाएगा और ये डिजाइनिंग दे रखी है क्रोम के अंदर। एंड यहाँ पर एक ग्रिल मिली जाएगी। हेडलाइट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर आपको LED सेटअप मिलेगा, यानी कि कुछ भी हैलोजन के अंदर नहीं है। इंडिकेटर वगैरह हो गए, लाइट वगैरह हो गई, DRL हो गए, सब कुछ आपको LED के अंदर ही मिलता है। आगे कोई पार्किंग सेंसर मिलता है लेकिन कैमरा नहीं मिलेगा। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जाती है, स्कीड प्लेट मिल जाएगी और नीचे आपको फॉग लैंप भी मिल जाते हैं। इसके अंदर भी 3-4 बल्ब दे रखे हैं, मतलब कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि इसके अंदर फीचर्स नहीं है। फीचर्स तो कंपनी ने भर भर के दे रखे हैं इसके अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइट यहाँ पर मिल जाएंगे, टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे और 4 लाइट भाई नीचे दे रखे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई ऐसा करना, वो भी बीच वाले वेरिएंट के अंदर, मिडिल वेरिएंट इसको कह सकते हैं। अगर अलॉय व्हील्स की बात करते हैं तो सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाएगा, 5 आपको नट्स मिल जाएंगे और ये ग्रे ग्रे कलर के अंदर अलॉय व्हील्स मिल जाती हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ही मिलती हैं, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी चीज़ है। लगभग 17 इंच के अंदर आ जाते हैं। टायर साइज़ की अगर हम बात करते हैं 215/60R17 इंच के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे ORM के ऊपर। ORM के अंदर भी मल्टी फंक्शनल आएगा, यानी कि सब कुछ कर सकते हैं आप, फोल्ड अनफोल्ड। और ऊपर की तरफ आपको पैनोरमिक सनरूफ मिल जाएगी, रूफ रेल्स मिल जाती हैं और एक सॉफ्टविंड एंटीना भी मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। और ये आप डिजाइनिंग देख सकते हैं पीछे तक होती हुई आ जाती है क्रोम की, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है प्रीमियमनेस को। एंड डोर हैंडल आपको क्रोम के अंदर ही मिलेंगे, ये एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, इसके अंदर डोर हैंडल क्रोम के अंदर ही आते हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब तारीफों के पुल जितने बांधो ना इस गाड़ी के उतने ही कम हैं। और यहाँ से भरेंगे भाई पेट्रोल या फिर डीजल, जो भी आप प्रेफर करो वो आ जाएगा, क्वार्टर ग्लास आ जाता है। और यह कार की पीछे से लुक, पीछे आपको कनेक्टिंग टेल लाइट आ जाती है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। रात को तो मतलब नेक्स्ट लेवल लगेगी ये गाड़ी, इसके अंदर कोई भी ऐसा कमी नहीं है। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, डिफोकर वाइपर वगैरह मिल ही जाते हैं, क्या का लोगो मिल जाएगा, कनेक्टिंग टेल लाइट मिल जाती हैं यहाँ से होती हुई। एंड यह कार के पीछे से ओवरऑल लुक आप चेकआउट कर सकते हैं। पीछे भी आपको कम्प्लीटली LED सेटअप मिलेगा, पीछे आपको एक कैमरा मिल जाएगा, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जाती है एंड यहाँ पर मैग्नेटिक बटन भी दे रखा है। सेल्टोस की बैजिंग मिल जाएगी, नीचे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और ये है भाई इसका बूट। अगर इसके बूट स्पेस की बात करते हैं तो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको एक बूट लैम्प मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज़ है, हेलोजन के अंदर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक ग्रोसरी हुक मिल जाएगा, नीचे आपको स्पेयर टायर मिल जाएगा, 1 इंच छोटा मिलेगा और ये स्टेनलेस स्टील रिम के साथ मिलेगा। 60-40 स्प्लिट सीट इसके अंदर आती है, आप फोल्ड करके कार्गो एरिया को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड भाई चलिए अब अंदर चलकर देखते हैं कैसा क्या कंफर्ट प्रोवाइड करती है किया सेल्टोस। एंड भाई यहाँ पर आपको अच्छा खासा नी रूम मिल जाएगा, हेड रूम भी अच्छा है। ऊपर की तरफ आपको एक रीडिंग लाइट मिल जाएगी LED के अंदर और ये आपको एक ग्रैप हैंडल मिल जाएगा। इस साइड भी आपको ग्रैप हैंडल मिल जाएगा और एक रीडिंग लाइट मिल जाएगी LED के साथ। और ये पैनोरमिक सनरूफ है इसका, यहाँ पर भी आपको एक ग्रैप हैंडल मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होता है। एंड भाई यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा, आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और तीनों हाइट एडजस्टमेंट के साथ आने वाले हेडरेस्ट मिल जाएंगे। एंड भाई इसकी जो सीट है ना वो आपको लेदर के अंदर मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सीट का कम्फर्ट भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है, मतलब उतरने का मन नहीं करेगा बैठने के बाद। यहाँ पर आपको सनशेड मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सनशेड मिल ही जाते हैं। बात करते हैं डोर पैनल्स की, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा लेदर के अंदर, ये हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, नहीं ये भी सॉफ्ट टच ही है लेदर के अंदर ये। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाएगी प्रीमियम दिखने के लिए, सिल्वर की फिनिशिंग, डोर ओपनर मिल जाएगा, पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दे रखी है, बोतल होल्डर मिल जाएगा।
और एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है एंड दो एसी वेंट्स मिल जाएंगे, दो टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे और नीचे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। भाई इस गाड़ी की एक खास बात हो रहा है, जैसे आप गाड़ी की की लेकर आओगे ना, जब ये लॉक होगी तो अपने आप ही जो ओआरयू है ना वो अनफोल्ड हो जाएंगे, लेकिन अनलॉक नहीं होती है। एंड ये है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड। बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील की। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल और वॉइस कमांड के कंट्रोल मिल जाते हैं। सेंटर में किया गया लोगो, हॉर्न मिल जाएगा ड्यूल, या आपको सिल्वर के फिनिशिंग, सेल्टोज की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल और एमआईडी के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर और बीच में एमआईडी मिल जाएगी। और ये है सबवूफर की ग्रिल, ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलेगा। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच दे रखा है लेदर के अंदर। और ये है इसका ग्लव बॉक्स। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगी, हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, दो एसी वेंट्स मिल जाएंगे। एंड ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली नहीं करेगा, वायर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। या कनेक्ट के भी सारे फीचर मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको दो रीडिंग लाइट मिल जाएगी, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, एक सनरूफ मिल ही जाएगा। यहाँ पर सनवाइजर के ऊपर टिकट होल्डर मिल जाएगा। इस साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है सनवाइजर के ऊपर। नीचे आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाएगा और यूएसबी पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है चारों तरफ। यहाँ पर भी आपको एक हैंडल मिल जाएगा ग्रैब करने के लिए। यहाँ पर ये डेडिकेटेड स्विच दे रखा है रियर कैमरा ऑन करने के लिए, चलती गाड़ी में भी आप ऑन कर सकते हैं। और ये है इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। पीछे वाला कैमरा डायनेमिक गाइडलाइन के साथ आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पर आपको सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाएगी चारों तरफ। यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी, आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट इसका भी फिक्स्ड ही मिलेगा। नीचे आपको स्टोरेज भी मिल जाती है और इसके अंदर आपको एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे और इस साइड आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट मिनट के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, ट्रैक्शन का बटन मिल जाएगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर दे रखा है, हेडलैम्प लेवलर मिल जाएगा, एसी वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे आपको एक डेड पेडल मिल जाएगा और यहाँ से करेंगे फ्यूल लिड ओपन। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर स्विच दे रखा है और यहाँ से करेंगे फ्यूल लिड ओपन। और ये है चारों पावर विंडो के कंट्रोल। ये पूरा आपको सॉफ्ट टच दे रखा है लेदर के अंदर। पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाएगी। ट्विटर मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ से करेंगे ओआरएम को एडजस्टमेंट और यहाँ से करेंगे फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन या ऑफ। ये है इसका ऑटो डिमिंग, आईआरएम, एसओएस, इमरजेंसी और किया कनेक्ट के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड स्विच भी मिल जाते हैं। तो भाई कैसे लगी आपको किया गया सेल्टोस, हमें कमेंट करके जरूर बताना। भाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। भाई थैंक यू, जय हिंद।